अरे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन हमारे पास ऐसे डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है हमें एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। चलिए, अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो हमें क्या पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। सॉल्यूशन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर ऐसा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ मैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 से लेस देन करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन मेरा है ए एक्स प्लस 1 टेकिंग लिमिट, लिमिट अगर आप लेंगे एक्स की जगह हम 3 पुट करते हैं, दिस इज 3 ए प्लस का 1, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। राइट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, एफ एक्स मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा बी एक्स प्लस 3, टेकिंग लिमिट एक्स की जगह 3 पुट करेंगे सो 3 बी प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 पे हमारे पास ये है, दिस इज 3 ए प्लस का 1, कॉन्टिन्यूस है तो ये इक्वल होंगे हमारे पास, ये दोनों तो सेम है ही, सो 3 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बी प्लस का 3। 1 अगर हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 ए इज इक्वल टू 3 बी प्लस का 2 रह जाएगा, सो ए इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा b प्लस 2 बाई 3। इन्होंने रिलेशनशिप ही पूछा था, दिस इज आवर रिलेशनशिप, मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब a इज इक्वल टू बी प्लस 2 बाई 3 होगा। आसान सा था, बहुत ही आसान है, अगर आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का पता है तो ये बहुत ही आसान है। चलिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, एफ एक्स लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा एंड वट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले हम 0 के ऊपर चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस कब होगा, हमें ये पता लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए उसके ऊपर या एफ ऑफ 0 के ऊपर, क्योंकि 0 ले रहे हैं हम यहाँ पे। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास एफ एक्स डिफाइंड कैसे है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इजकल टू 0 की बात कर रहे हैं क्योंकि वो 0 के ऊपर कह रहा था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से समथिंग लेस होगा तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x। टेकिंग लिमिट, लिमिट अगर आप लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 0 दैट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो गई 0 हो गई। राइट हैंड लिमिट आप लेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन के लिए 4x प्लस 1, टेकिंग लिमिट 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लैम्डा की तो कोई ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही है। हम क्या कहेंगे, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस।
कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू जीरो, जीरो के ऊपर लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू वन के ऊपर। एट एक्स इजिकल टू वन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है जीरो है, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू फोर एक्स प्लस वन है। सो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई भी हमने पॉइंट ले लिया ए ऑफ एफ एक्स दैट इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए फोर एक्स प्लस वन, क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन के ऊपर ले रहे हैं हम लिमिट लेंगे तो फोर इंटू वन प्लस वन, फोर इंटू वन प्लस कितना बन गया फाइव बन गया ठीक है। और एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इसी में आएगी वैल्यू हमारे पास फोर इंटू वन प्लस वन, ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन यही है हमारे पास तो दैट इज ऑल्सो फाइव। सो दोनों इक्वल हो गए, एफ एक्स इज, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू वन के ऊपर। आसान से हैं सारे क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के स्टेटमेंट में क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम, हमारे पास जी एक्स क्या है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। लेट लेट ए बी एनी इंटीजर, हम कोई इंटीजर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ये वैल्यू है सपोज करो जीरो वन माइनस वन वन, अगर मैं यहाँ से कुछ भी स्लाइटली ज़्यादा लेता हूँ 0.1 लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास ये वैल्यू होती है 0.1 दैट इज ज़ीरो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू वन कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ 1.9 आगे अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ तो वो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, मतलब पीछे वाला जो लेस हमारा इंटीजर है वो वैल्यू हम लेते हैं इसमें। अब डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ ऑफ ए हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स सॉरी जी एक्स, क्योंकि हमारे पास फंक्शन अब की बार क्या है जी एक्स है सो जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा सोल्व होके एक्स माइनस ये वैल्यू क्या बनेगी। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ इसमें से, सपोज करो मैंने वो इंटीजर ए की जगह वन लेता हूँ तो वन से कुछ भी स्लाइटली कम करोगे तो इससे कम आएगा मीन्स वन माइनस वन जीरो। अगर मैं फाइव लूँ फाइव से पहले अगर मैं 4.9 लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी फोर बन जाएगी। अगर हम ए ले रहे हैं तो उससे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ए माइनस वन, अब हम इसकी लिमिट ले रहे हैं तो ये हमारे पास ये a होगा एंड दिस इज a माइनस वन, वी आर टेकिंग लिमिट x की जगह हमने a पुट किया यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा a माइनस वन, दिस इज a माइनस ए प्लस का वन कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बन गई हमारे पास दिस इज वन ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो गई वन हो गई। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिमिट लेंगे आप तो क्या बनेगा ए माइनस, अगर हम स्लाइटली इससे ज़्यादा रखते हैं अगर मैं 5.1 लूँ तो 5.1 में हमारे पास क्या बनेगा फाइव ही बनेगा तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी वैल्यू ए पॉइंट ए से कुछ भी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू ए ही रहेगी। सो ए माइनस ए ये ए बन जाएगा, ए माइनस ए क्या हो जाएगा जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किसी भी, क्योंकि हमने ए कोई भी इंटीजर लिया था, कि कोई भी इंटीजर लिया था उसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। तो जी एक्स, जी एक्स है ये, जी एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आसान सा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।